दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की सबसे ताजा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है, जहां 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने और इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुँच चुके हैं। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर जीडीपी को लेकर आ रही है, जहां वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित अपनी रिपोर्ट के जरिए खुलासा किया है कि देश में राज्यों की जीडीपी को लेकर बिहार वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में 11.3% के साथ टॉप पर रहा है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर आईएमएफ से आ रही है, जहां आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट और भारतीय मूल की मशहूर अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि किसानों की समस्याओं को स्थायी समाधान करने के लिए किसान कर्ज माफी के बजाय कैश सब्सिडी बेहतर रहेगा। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर शिवसेना को लेकर आ रही है, जहां लंबे वक्त से बीजेपी की खिलाफत कर रही उसकी सहयोगी शिवसेना यूपी में योगी सरकार के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर यूपी की 25 संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर आ रही है, जहां लंदन में हुई ईवीएम हैकथॉन में भारतीय अमेरिकी साइबर हैकर सैयद सूजा द्वारा 2014 में ईवीएम हैकिंग का दावा करने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे बकवास करार देते हुए कहा, कांग्रेस का पागलपन लगातार बढ़ रहा है। यही नहीं, उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग और चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगे लाखों लोग इस गड़बड़ी में शामिल थे। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पहली कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान से उनके घर पर बंद कमरे में मुलाकात की, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर बिहार से आ रही है, जहां ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटना में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार में मेगा रैली करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह रैली 3 मार्च को होगी। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां गणतंत्र दिवस से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में 5-6 आतंकियों के घुसने की आशंका जताई है, जिसको लेकर पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक वह आतंकी संगठन लश्करे तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर त्रिपुरा से आ रही है, जहां त्रिपुरा में 9 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले 23 आदिवासी परिवारों के 98 लोगों ने एक बार फिर से घर वापसी करते हुए हिंदू धर्म को अपना लिया है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भी प्रदेश के गरीब स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण को लागू करने की तैयारी कर रही है और ऐसा करने वाली वह पहली कांग्रेसी राज्य सरकार है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर बसपा आयुष्मान भारत योजना को लेकर आ रही है, जहां मोदी सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस योजना का 8 लाख से ज्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर अन्ना हजारे को लेकर आ रही है, जहां समाज सेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनके पास राफेल से जुड़े कागजात हैं और इसको लेकर जल्द ही वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां चेन्नई के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज में एक प्रदर्शनी के दौरान हिंदू विरोधी पेंटिंग लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। हालांकि विवाद के बाद पेंटिंग्स को हटा लिया गया है और कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए माफी भी मांगी है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर रूस से आ रही है, जहां रूस में क्रीमिया को अलग करने वाले कर्च जलडमरू मध्य में 2 पोतों में आग लग गई है, जिससे इसमें सवार 17 सदस्य दल में से 11 लोगों की मौत हो गई है और इस दल में करीब 15 लोग भारतीय थे। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर देश में वैश्विक विश्वसनीयता को लेकर आ रही है, जहां एडलमैन संस्था ने ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि सरकार के कामकाज, गैर सरकारी संस्थान के कामकाज, मीडिया की विश्वसनीयता और बढ़ते कारोबार ने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है।
और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एक साइबर एक्सपर्ट की ओर से 2014 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम हैकिंग की जानकारी होने के कारण बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की हत्या का दावा करने के बाद अब उनके भतीजे और कांग्रेस नेता धनंजय मुंडे ने इसकी जांच खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से कराने की मांग की है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर मौसम को लेकर आ रही है, जहां सुबह से राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को काफ़ी बढ़ा दिया है और इस बीच जगह जगह पानी भर जाने से राजधानी दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर रामविलास पासवान को लेकर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान एक बार फिर से विपक्ष के महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से संतरे में 3-4 फांक होती है, उसी तरह महागठबंधन में 16-16 फांक है। यहाँ सब अपनी अपनी टिकट की फेर में है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर नेपाल से आ रही है, जहां नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपये से उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला करते हुए 2000 रुपये, 500 रुपये और 200 के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर केंद्र सरकार से आ रही है, जहां केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए रेलवे कर्मचारियों का रनिंग अलाउंस दोगुना बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। तो ये थी मिड्डे की कुछ ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।